हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा निफ्टी के ऊपर और आगे के जो फ्यूचर में हमें लग रहा है वो जो स्टॉक मार्केट से संबंधित है वो सब कुछ में से कुछ हिस्सा जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिएगा, आज जो है निफ्टी सुबह मॉर्निंग में जो है खुला तो माइनस में खुला था और उसका रीजन बड़ा सिंपल था कि जो एशियन मार्केट्स थे वो फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे और डाउ जोन्स जो था रात की सारी तेजी को क्लोजिंग सेशन के अंदर जो है खत्म कर चुका था और डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है वो जो है न्यूट्रल ट्रेड कर रहा था, ना तो पॉजिटिव था ना नेगेटिव था। तो आज सुबह जब मार्केट खुली तो लोगों ने ये एंटिसिपेट किया कि सिंगापुर निफ्टी जो है करीबन 150 पॉइंट की जो है डिस्काउंट पे चल रहा है और मार्केट खुलते के साथ जो है नेगेटिव हो गई और नेगेटिव हुई और 15-20 मिनट जो है ट्रेड होता रहा और एकाएक बहुत ही बेहतरीन तेजी जो है निफ्टी के अंदर जो है देखने के लिए मिली। जैसा आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि निफ्टी देखिएगा यहाँ से ये करीबन ये जो मैं आपको 8719 जो है ये 9:15 का टाइम था और ये देखिएगा निफ्टी ने हाई मारा और यहाँ से निफ्टी 4.38% जो है यहाँ पर तेज होता हुआ नजर आया और 9131.7 की जो है तेजी एक झटके के अंदर जो है देखने के लिए मिली। अब लोगों को लगा कि भाई साहब ये तो बहुत भयंकर तेजी है, तो बहुत लोग शायद खरीदने भी आ गए होंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो शेयर्स थे उनमें एकाएक जो है बेहतरीन तेजी जो है देखने के लिए मिली और कुछ शेयर्स तो 10-10% जो है निफ्टी के जो शेयर्स थे वो भी 10% की जो है तेजी के साथ जो है ट्रेड कर रहे थे और इंडसइंड बैंक तो जो है सर्किट लग गया था उसमें 10% और उसके बाद भी जो वो 20% तक जो है ऊपर गया, तो लोगों को लगा यार ये अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। लेकिन जो स्मार्ट लोग थे उन लोगों ने अपना माल आज निकाला और देखिएगा ये गोरे लोग हैं, ये ऐसे माल नहीं बेचेंगे। इन्होंने जो 2008 में गलती की है वो गलती ये नहीं करने वाले हैं 2020 के अंदर। एक झटके में माल नहीं बेचेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये जैसे ही नीचे जाएगा वहां पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के माध्यम से ये अपने ट्रेड को ऊपर लाएंगे, लोग फंसेंगे और फिर ये ऊपर अपना माल बेचेंगे। देखिएगा सीधी सी बात है कि मार्केट पांचवी मंजिल से गिरी है, अगर पांचवी मंजिल से कोई व्यक्ति गिरता है उसके हाथ पैर टूटते हैं तो वो 2-4 दिन में खड़ी नहीं होने वाली है। तो मार्केट में इस तरीके की जो गिरावट है और फिर एकाएक जो है तेजी वो आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप बात करें तो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मिलती रहेंगी और सीधी सी बात यह है कि एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, सस्ता खरीदें महंगा बेचें। देखिएगा मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, सीधा सस्ता खरीदें महंगा बेचें, तो ये इस तरीके की जो कैचअप रैलीज होती हैं उनमें फंसने की जरूरत जो है नहीं होती है। ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग इस तरीके से यहाँ पर एग्जिट करते हैं और इसीलिए क्या हुआ कि जब कल की जो है 10% की तेजी बैंक निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिली, फार्मा में 10% की तेजी थी, तो यहाँ जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने तुरंत अपना माल निकालना शुरू किया और फिर देखिए थोड़ी देर के अंदर ये ऐसा लग रहा था कि जो सारे ट्रेड्स हैं ये देखिएगा जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ये जो ट्रेड है ये करीबन 10:15 बजे तक एक घंटे के अंदर मार्केट ने अपना हाई बना दिया था और ये जो हाई था ये एकाएक था, ऐसा लग रहा था जैसे कि सौदे जो है कंप्यूटर से डाले गए हों और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है बाइंग की जा रही थी और लोगों ने सोचा कि भाई साहब ट्रेन मिस ना हो जाए। और क्योंकि कुछ लोग जो है मार्केट में आके बताते भी रहते हैं कि जब भी ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम खत्म होगी तो मार्केट एकदम तेजी से चलेगी। आइएगा आज इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं आपके साथ। देखिएगा अगर मैंने आपके साथ बोली कि अगर पांचवी मंजिल से कोई आदमी गिरता है तो प्लास्टर लगता है, बंधता है, मार्केट इतनी जल्दी नहीं चलने वाली है और जिस तरीके से ऊपर से सेलिंग होके आई है वो सभी लोग अभी दोबारा खरीदने नहीं आने वाले हैं इतनी जल्दी। और आपको एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मार्केट में रहे हैं पिछले 2 साल के दौरान, अगर आपके पास स्मॉल कैप या मिड कैप के शेयर रहे होंगे तो 2018 और 2019 के अंदर सेम एक्सपीरियंस थे, स्मॉल कैप और जो है मिड कैप जो है ऊपर से गिरते थे फिर एकदम एकाएक ऊपर आते थे फिर एक नए लो बनते थे। तो सीधी सी बात है मीडिया भी और जो चार्ट भी इस तरीके का माहौल बनाएंगे, जब गिरे होंगे तो आपको बोलेंगे और गिरेंगे और जब ऊपर तेजी आएगी तो वो बाय करने के लिए बोलेंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि आप जो है यहाँ पर अपना एक दिमाग लगाइएगा, कोई चीज़ सस्ती मिल रही है
आपको लग रहा है कि उसकी इंट्रेंसिंग वैल्यू से कम मिल रही है, उसको खरीद लीजिए चुपचाप अगर आप ट्रेडर हैं, और जब अच्छे से प्राइस मिले तो आप निकल जाइएगा। तो ये जो गोरे लोग हैं ये एक बार में माल बेच के नहीं जाएंगे, और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि शॉर्ट की पोजिशन जो है बनाना अब आसान नहीं है उनके लिए, तो उन्होंने एक जो है नया तरीका जो है अपनाया है कि नीचे से पे माल खरीदो, ऊपर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर खरीद तो सकते हैं ना, तो वो खरीद के अपनी ऊपर पोजीशंस ले आते हैं, और उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशंस को वहां पे खड़ा करते हैं ऊपर फ्यूचर्स के अंदर, फिर शेयर्स को बेचना शुरू करते हैं और अपने जो कैश मार्केट के शेयर्स बेचते हैं, और उसके बेचने की बात से जो फ्यूचर्स जो है दोबारा से नीचे आते हैं तो जो अपने उनके शॉर्ट्स हैं उनको वो कवर कर लेते हैं। तो उन्होंने बेचने का जो है एक बे इंतहा जो है ऐसी तरीका निकाला है जिसकी वजह से वो आज तक जो है कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखिएगा मार्केट ने दो बार इस तरीके के ट्रेड कर चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा मार्केट इस तरीके से तेज जाएगी और जो गोरे हैं या जो बाकी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो अपना माल बेचते हुए निकलेंगे। तो पहले मार्केट को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू ऊपर लेके जाया जा रहा है, और फिर धीरे धीरे करके माल को ऑफलोड किया जा रहा है। जैसे आज भी आप चार्ट से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट गिरी, फिर धीरे धीरे बेचा, फिर एकदम एकाएक गिर दिया। तो देखिएगा यहाँ पर ये देखिए उसी तरीके से, तो किस तरीके फिर दिन भर अपना माल बेचते रहे। हो सकता है कि कल फिर मार्केट को एक बार ऊपर खोले और फिर वहां पर जो है थोड़ा सा ऊपर ले जाके फिर धीरे धीरे ऑफलोड करते नजर आए, और आपको जो टेक्निकल चार्ट्स के अंदर सारी चीजें दिखती रहेंगी। और देखिएगा ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने सेलिंग नहीं की है, तो पता भी चल रहा है क्योंकि कल की तेजी। अब ये देखिएगा यहाँ पे अब आपके सामने जो है, मैं इंडसइंड बैंक की बात कर रहा हूँ, इंडसइंड बैंक सबसे ज्यादा पिटा हुआ शेयर था। उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई साहब इसमें ना कोई भी आदमी अभी तो हाथ लगा नहीं रहा है, अब बैंक निफ्टी का भी शेयर है, निफ्टी का भी शेयर है, इन्होंने उठाना शुरू किया। आप देखिएगा इसका लोअर हाई देखोगे ना तो आज ही पता चलेगा 362 और 441 यानी कि 360 रुपए और 441। अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो करीबन 28 से 30% के बीच में ये परसेंटेज है, यानी कि एक दिन का लोअर हाई। आप देखिए ये सब गेम खेला है उन्होंने आज, ये देखिएगा यहाँ पे सर्किट पे सर्किट, और ये सारा गेम खेल दिया है 10:30 बजे तक एकदम हाई मार दिया, और उसके बाद पूरे दिन गिर दिया, और फिर जिन्होंने जो फालतू के जो लोग थे उन्होंने जो शॉर्ट मारे हुए उन्होंने फिर ऊपर खड़ा कर दिया शाम को। तो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पर ट्रैप कौन हो रहा है, ट्रैप हो रहा है भाई सब इनोसेंट ट्रेडर और इन्वेस्टर्स। तो जिनकी छोटी पॉकेट है या फंडिंग्स के साथ खेलते हैं उनके साथ ये जो गेम खेला जा रहा है। आप देखिएगा ये शेयर अपनी बुक वैल्यू के आसपास आ गए हैं, लेकिन क्या है इसके ऊपर कंसर्न बने हुए हैं। मैं इसके बाय या सेल की किसी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि गेम क्या चल रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे इसी तरीके से आपके साथ देखिएगा ये जो शेयर है एक्सिस बैंक का शेयर है, एक्सिस बैंक को बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं। कैसे प्ले करते हैं, बैंक निफ्टी के साथ प्ले करते हैं, क्योंकि निफ्टी में भी वेट है इसका और बैंक निफ्टी में भी अच्छा वेट है। और ये जो मार्केट कैप है इसकी आप देखिएगा, मार्केट कैप जो है 1,10,000 है, तो ये HDFC या कोटक महिंद्रा से तो कम है, तो इसको प्ले करना और इसका वेट अच्छा है बैंक निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी में भी। तो इसको कैसे मूव करते हैं देखिए, आज ये देखो वही गेम है। यहाँ पर देखिएगा एकाएक यहां से जैसे 375 से 422 एक घंटे के अंदर ये तेजी बनाई गई है। ये एल्गो ट्रेड लग रहे थे मुझे आज, जिस तरीके से ट्रेड किए गए हैं कि कंप्यूटर से ऐसे ट्रेड डाले गए हो जैसे करीबन 200-250 लोकेशन से एक साथ जो है ट्रेड डाले गए हो, और बाद में जो है लोग फंसते रहे और फिर जो है सौदे कटते रहे। और फिर देखिएगा अब क्या हुआ एक घंटे के अंदर ही, एक घंटे बाद देखिएगा 386 से, और फिर दिन भर यहाँ आपने ट्रेड कराते रहे। तो उन्होंने गेम खेला ये दो घंटे का, इस पूरे दो घंटे के अंदर जो है बड़े प्लेयर्स ने अपना गेम खेला, पैसा बनाया और निकल गए। और सीधी सी बात क्या कि वो अपना माल बेच रहे थे, हकीकत तो बात ये है। अब यहाँ पे देखिएगा ये है बजाज फाइनेंस का शेयर। अब बजाज फाइनेंस का शेयर कल नहीं चला था, आज चला, लेकिन अगर आज इसको डे में देखेंगे तो डे में इसके अंदर ज्यादा मूवमेंट नहीं थी, क्योंकि पता था इसको कल भगाया तो था नहीं, इसको भी वो बेचेंगे देखिएगा, ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं NBFC कंपनी के साथ प्रॉब्लम है। अब वैल्यूएशन अभी भी 23.85 की पी पर चल रहा है, कोई कम नहीं है, और ये पी मेंटेन कहां से करोगे, आपकी ग्रोथ जो है आपका कस्टमर बेस है। और जिस तरीके से अभी आपको देखिएगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। देखो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज घट गए, देखो जी एक्साइज ड्यूटी शराब पे नहीं मिल रही, बहुत सारी जगह GST आपके कलेक्शन होगी नहीं, काम ही बंद है। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के रेट पिछले साल रिड्यूस कर दिए थे, और सीधी बात है अब जो बिजनेस ही नहीं चल रहे तो इनकम टैक्स कहां से देंगे। एक्सपेंडिचर जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट थी, यानी कि जिससे रोजगार मिलता था, कंस्ट्रक्शन ये वो सारी सरकार की भी रुकी, और वो पैसा कहां जा रहा है, वो जा रहा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के अंदर, यानी कि जो अभी रोजमर्रा की चीजें हैं जरूरत है वो करनी है। PM ने केयर फंड बनाया है, गवर्नमेंट के पास फंडिंग है नहीं, डॉलर ऊपर चला गया है,
तो इकोनॉमी के अंदर कोई भी ऐसा इंडिकेटर नजर नहीं आ रहा है कि आप एकदम रिवाइव कर जाओगे। आपका मान के चलिएगा 1.5-2 महीने तो आप बंद रह गए, लेकिन ध्यान रखिएगा रिजल्ट अच्छे आएंगे सबके, क्योंकि रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि लॉकडाउन तो 15 दिन में हुआ है, 2.5 महीने तो सारी कंपनी ने सही तरीके से काम किया। तो ध्यान रखिएगा वहां पर भी फिर इसी तरीके की रिजल्ट सीजन में भी ऐसी उठा पटक जो है जारी रहेगी, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है आपने कौन सी कंपनी से। अब ये देखिएगा अगर मैं इसी शेयर की बात करें तो ये शेयर अभी पी रेशियो पे भी और अगर इसकी बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखेंगे तो ये ऊपर की रेट के ऊपर जो है ये ट्रेड कर रहा है। अभी अगर बजाज फाइनेंस के शेयर की भी अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे अगर इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू को भी देखने जाओगे आप तो क्या दिख रहा है। अब यहाँ पे समझो प्राइस टू बुक वैल्यू देखो, अभी अब फाइनेंस का बिजनेस है, 322 रुपए की बुक वैल्यू, आपने किसी को उधार दे रखे है, अरे उधार जो दे रखे वो 322 रुपए ही तो दे रखे, मान लो आपकी बैलेंस शीट की वैल्यू है। आज भी शेयर कितने का चल रहा है, आज भी शेयर 3333 रुपए का। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है, जो रिटेल लोन्स है वो नहीं आएंगे, एक्सपेंशन नहीं होंगे, तो भाई साहब प्रॉब्लम तो सीवीआर है, और ये तो कोई बैंक तो है नहीं, और वैल्यूशन इनकी बजाज फिनसर्व को भी ऊपर के मिले हुए हैं, और एफआईज यहीं पे बैठे हुए हैं, तो एफआईज ऐसे तो माल बेच के नहीं जाएंगे। तो सीधी बात है इस तरीके के डाउन मूव्स और अप मूव्स जो है दोनों तरीके के जो है आते रहेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। बट अल्टीमेटली अभी हमें लग रहा है कि जो प्रॉब्लम है वो 6 महीने से लेकर 8 महीने तक जो है बनी रहेगी इसके अंदर, तो आपने अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है यहाँ पे। अब देखिए अगर इसी शेयर की मैं बात करूँ आपके साथ, एचडीएफसी बैंक जैसा शेयर अब नॉर्मल डेज में भी हिलता नहीं है, अगर एक बार ऊपर चलाया था तो नीचे नहीं आता था, नीचे चलाया तो ऊपर नहीं आता था, आज देखिए इसके साथ भी हुई वही, सबके साथ एक गेम खेला है, मतलब सारे मतलब जो पोजीशन थी वो सब एक ही डायरेक्शन में प्ले हो रही थी सारी। निफ्टी के सारे शेयर ने भगना शुरू कर दिया मोस्टली, अगर आप शेयर देखें तो एक टाइम तो 50 के 50 शेयर मतलब उन्होंने भगा रखे थे, और फिर देखो वहीं पे, और फिर देखो यहाँ पे नीचे आ गए। तो सिंपल सी बात है, आज का जो गेम था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने खेला, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। देखिएगा अभी जो है इकोनॉमी प्रॉब्लम में है, गवर्नमेंट के जो है रेवेन्यूज नहीं है, और गवर्नमेंट को अब खर्चे बढ़ाने हैं अपने, और सीधी सी बात है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो फिस्कल पैकेज की बात हो रही है यहाँ पर कुछ नहीं होगा। बैंकों के लिए थोड़ा रिलीफ हो जाएगा कि हाँ जी जो है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को 90 दिन से बढ़ा के 180 दिन कर देंगे, जो 3 महीने का जो प्रॉब्लम है, ज़्यादा ज़्यादा गवर्नमेंट के पास पैसा है कहाँ पे अभी, तो गवर्नमेंट ने जो फिस्कल डेफिसिट है उसकी प्रॉब्लम जो है वो पहले से ही है, दूसरी बार डॉलर 76 के आसपास पहुँच गया है, तो गवर्नमेंट के पास कंफर्ट नहीं है। और जो गवर्नमेंट ने पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटा दिए थे, मुझे तो ये डाउट हो रहा है कि गवर्नमेंट कोई टैक्सेस और ना लगा दे क्योंकि इस रिलीफ को लिए, क्योंकि मोदी साहब जो है गरीबों का फेवर करेंगे, तो अभी वो इंडस्ट्री की तरफ नहीं देखेंगे, इंडस्ट्री में रोजमर्रा की चीजें जरूरत की तरफ है, तो अभी जो है गवर्नमेंट का फोकस केवल इस प्रॉब्लम से निपटने का है और गरीब लोगों की समस्या दूर करने का है। तो गवर्नमेंट हो सकता है कि बहुत बड़ी जो कंपनीज है जो 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ की सेल कर रही है, ऐसी कंपनीज के ऊपर हो भी सकता है कोई टैक्स रेट दोबारा से ना रिवाइज कर दे, या किसी तरीके का सेस या ड्यूटीज जो है ना लग जाए। तो सीधी सी बात यह है कि गवर्नमेंट हमें रिलीफ की उम्मीद कम है, लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं वो पहले से ही पिटी हुई हैं, बहुत सारे शेयर्स आपको अभी भी बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि उनको एक्युमुलेट करना है धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं करना है। तो देखिएगा आज जो लूजर थे, TCS था 3.93, टाइटन 3.59, श्री सीमेंट्स, हिंडालको, BPCL, ये सब 2% से ऊपर थे, बजाज फिनसर, JSW स्टील, तो ये जो निफ्टी के लूजर्स थे। और अगर टॉप गेनर की बात करोगे तो गेनर में देखिए कौन थे, गेनर में क्या था, वेदांता, अब कल तक ये पिट रहा था मेटल्स, इनको अगर वेदांता की तो एक न्यूज़ मेरे पास ऑलरेडी है कि भाई साहब ये मेटल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जो इनका बिजनेस है, इनका ऑयल वैसे पिटा हुआ क्योंकि इनके पास जो क्रेन एनर्जी जो कंपनी थी वो भी इसी ग्रुप के अंदर ऐड हो गई थी, पहले स्टरलाइट इंडस्ट्रीज होती थी वो सब इसके अंदर है, तो पूरा कंसोलिडेटेड बिजनेस है, और उनकी हाई लीवरेजेस हैं, और बिजनेस चल नहीं रहा, माल बिक नहीं रहा, तो सैलरी देनी है, बैलेंस शीट में हाई डेट है, तो तभी तो ये प्रॉब्लम में है। लेकिन अभी क्या है कि ये मैं जो बोला वीडियो को नाम कैट, जो डेट कैट बाउंस, ये वही है। फार्मा में तो चलो अब क्योंकि निफ्टी को मैनेज करना है तो फार्मा सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है उनको, क्योंकि फार्मा में पहले नीचे प्राइस है, अगर वो कुछ निफ्टी को मैनेज करने के लिए ऊपर खरीदेंगे भी तो उसमें कुछ डूबने के चांसेस नहीं है। NTPC को ऊपर लिया है, भारत इन्फ्राटेल में कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि पहले ही पिटा हुआ है, और दूसरी बात क्या है कि जो नीचे से जो है टेलीकॉम की स्टोरी ठीक हो रही है, तो ये देख देख के जो है चीजें जो है मैनेज कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस नीचे टूट गया तो लोगों को लगता है बोर्ड टूट गया तो वहां पे खरीदे, देखिए बजाज फाइनेंस के प्राइस आएंगे अभी और अच्छे, मुझे जो उम्मीद है अच्छी कंपनी है, लेकिन इन प्राइस पे खरीदने के लायक नहीं है अभी, और चांसेस मुझे लग रहा है कि मिलेंगे, तो अभी जो है प्राइजेस अच्छे मिलेंगे
अभी आपको देखिएगा शेयर्स जो है अच्छे अच्छे चल रहे हैं, भगाए थे लेकिन वो सारे के सारे नीचे गिर गए। तो मैंने आपको एक बात समझाने की कोशिश की है कि ये जो इस तरीके की तेजियां बीच बीच में आती रहेंगी, अच्छे शेयर्स जो हैं उनको बेचना भी पड़ेगा, गोरे लोगों को भी, और जो म्यूचुअल फंड्स वाले भी हैं वो स्मार्ट लोग होते हैं, जब उनको पता चल रहा है 15% की रैली एक दिन में आ रही है तो म्यूचुअल फंड्स वालों ने भी प्रॉफिट बुकिंग की होगी, और इसीलिए एकदम देखिएगा ऊपर के प्राइस पे एकदम सेल आ गई थी। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है नज़र बनाई रखिएगा। और आप वैसे भी देखेंगे तो 9/11 के बाद जो सबसे ज़्यादा यूएस के अंदर डेथ के केसेस आए हैं, उतने तो उनके 9/11 में नहीं हुए थे। तो प्रॉब्लम चारों तरफ से है, सप्लाई चेन की भी प्रॉब्लम हो रही है, फंड्स की भी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात है इंडिया में तो और ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो लॉकडाउन है, हमारी जो इकोनॉमी है वो अलग तरीके की है, और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज के जो सोर्सेज हैं वो कम है। तो सिंपल सी बात यहाँ है, तो जो अभी हमें लग रहा है कि ये जो कोरोना जो लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद सारी समस्याएं जो हैं हमारे सामने आएंगे, बहुत सारी चीज़ तो हमें पता ही नहीं चल रही है। इसलिए अपना पैसा जो है संभाल के रखो, और जहाँ अपॉर्चुनिटीज मिले धीरे धीरे करके खरीदते रहो, एक ही टाइम खरीदने की जरूरत नहीं, जो सस्ता मिले वो खरीद लो। सस्ता कौन सा है वो अब आपको मैं धीरे धीरे करके आगे वीडियो में बताता रहूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।